मथुरा जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए आज पहुंचेगी भारत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अटॉक जेल से अदियाला जेल में किया शिफ्ट। मणिपुर में फिर इंटरनेट की सेवा 5 दिन के लिए बंद। लापता 2 छात्रों की हत्या के बाद तनाव। अमेरिकी कोर्ट ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने रियल एस्टेट कारोबार में धोखाधड़ी की। कनाडा विवाद पर बोला अमेरिका, भारत सरकार को जांच में करना चाहिए सहयोग। शकुर बस्ती से आ रही एमयू ट्रेन मथुरा जंक्शन पर पटरी से उतर गई। पीएम मोदी आज गुजरात में शिक्षा परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। इराक के नीनेवे प्रांत में एक शादी में लगी भीषण आग, 100 लोगों की मौत। खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ा क्रैकडाउन, पंजाब हरियाणा राजस्थान में 50 ठिकानों पर एनआईए का छापा। बिहार कांग्रेस चीफ बोले हमारी लड़ाई गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोगों से है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पंजाब हरियाणा के बाद दिल्ली और यूपी में भी छापे। तमिलनाडु के तिरुप्पूर में स्कूल के पास गड्ढे में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। एशियन गेम्स में भारत को 15वां पदक, शूटिंग में मिला सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में भारत ने जीता 4th गोल्ड, मनु भाकर ने लहरा दिया भारत का झंडा। आरजेडी के अंदर नया बवाल, आनंद मोहन के विधायक बेटे ने सांसद मनोज झा के खिलाफ खोला मोर्चा। पंजाब में एनआईए ने फिरोजपुर से एक शख्स को हिरासत में लिया, गैंगस्टर अर्श डाला के साथ लिंक होने का शक। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग में कई ठिकानों पर मारा छापा। हैदराबाद में 35वें फ्लोर से कूदकर 14 साल के बच्चे ने किया सुसाइड। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने T20I में तोड़ा युवराज सिंह का विश्व रिकॉर्ड, 9 गेंदों में ही ठोका 8 शतक।